नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम डीके को उसकी जिम्मेदारी समझा रहे हो? मेरा ये मतलब तो नहीं था। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था कि आप इस केस को इस तरह क्यों हैंडल कर रहे हो? शट अप! केस को किस तरह से हैंडल करना है तुम मुझे बता रहे हो? डीके को इस आज तक एक भी केस नहीं हारा। मैं अगर अब तक खामोश हूं, लेकिन नहीं समझते कि इसमें भी मेरी कोई चाल होगी? चाल? हाँ, ये मत भूलो कि इस केस में मेरी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। मेरी समझ में ये नहीं आता राकेश कि राधा मुझे रवि के बारे में बतलाती क्यों नहीं। अगर वो सचमुच बेकसूर है जैसे कि तुम मानते हो, तो उसे मुझे रवि के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं नहीं, मैं रवि के बारे में नहीं बताऊंगी, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन राधा, तुम्हें इस केस में निर्दोष साबित करने के लिए रवि के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर रवि के बारे में बताने से मेरी जान बचती है तो मुझे फांसी मंजूर है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, अदालत में मैं भले तुम्हारे खिलाफ लड़ता हूं, मगर अदालत के बाहर मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं। शुक्रिया मेरे दोस्त, इस बात के लिए हम सचमुच आपके शुक्रगुजार हैं। अमा यार, शुक्रगुजार होने की क्या बात है, तुम सचमुच इसके काबिल हो। और एक बात का तो मैंने पक्का इरादा कर लिया है। वो क्या भाई? देखिए, मेरी इकलौती बेटी शलाका दिल्ली में वकालत का फाइनल एग्जाम दे रही है, उसके बाद मैं चाहता हूं कि वो आपके साथ प्रैक्टिस करें। भाई इसमें एक खतरा है, और वो भी तुम्हें। मुझे? कैसा खतरा? अगर वो मेरी असिस्टेंट बन गई तो तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रोज झगड़ा करती रहेगी। अरे बापरे, सक्सेना साहब के ऑफिस में जाने के लिए देर हो गई है, मैं चलता हूँ। ओके। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे जाओगे? जीतने का एक मौका हमें भी तो दो। आज नहीं, फिर कभी। अगर मैं तुम्हें जाने ना दूं तो? देखो शलाका, तुम एक लॉ स्टूडेंट हो, कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मैं एक लॉ स्टूडेंट होने के साथ साथ मशहूर वकील सक्सेना साहब का असिस्टेंट भी हूँ। और अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। और तुम्हें नहीं पता बार काउंसिल का एग्जाम पास करने के लिए कितनी मुश्किल से मुझे ये चांस मिला है। चांस तो उन्हें देना ही था, सक्सेना साहब पापा के दोस्त जो ठहरे। मजाक मत करो, मुझे जाना है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ हुजूर? जी देखिए, सक्सेना साहब अभी नहीं है, आप थोड़ी देर के बाद आ जाइए। जी, उन्होंने ही हमें आपके सामने ये केस रखने को कहा है। फरमाइए। अजी इतनी जल्दी भी क्या है, बड़ी तारीफ सुनी थी जनाब की। जी जी, देखिए मुझे बहुत काम करना है, आपको जो भी कहना जल्दी कह दीजिए। हाँ लिखिए, मेरे जो वो है ना, वो ये वो क्या है? वो का मतलब नहीं समझते? अच्छा, वो यानी कि आपके शौहर? अजी होने वाले शौहर कहिए, वो इतने बेदर्द है कि पूछो मत। देखिए ना, एक मैं हूँ, उन पे दिलो जान से फिदा हूँ, और एक वो, उन्हें तो काम से फुर्सत ही नहीं। क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? जी आप खूबसूरत हैं या बदसूरत हैं, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? आफ्ताब पे तो काली बदली चाहिए ना। पहचान लिया। चुप, मुझे उल्लू बना रही थी। चलो उठो, जाओ यहाँ से, मुझे एक डाइवोर्स केस की तैयारी करनी है। अरे जालिम, आज मेरा जन्मदिन है, आई मीन माई बर्थडे, यू नो, कम से कम आज के दिन तो ये मनोस्काम मत करो। आज तो दो दिलों को मिलाने की बात सोचो। अरे तुम समझती क्यों नहीं, मुझे काम करना है, चलो यहाँ से अभी चलो। तुमने लॉक किया ये? लॉक? चाबी दो। चाबी? चाबी, यू मीन की? शलाका देखो, मुझे बहुत काम करना है, प्लीज चाबी दे दो। हिम्मत है तो निकाल लो। शलाका प्लीज समझो, अगर मैंने पेपर्स टाइम पर तैयार नहीं किए तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। अच्छा तो प्रॉमिस करो कि तुम मेरे साथ चलोगे। शलाका प्लीज, अगर सक्सेना साहब आ गए तो? सर आप? मैं, दरवाजा बंद था इसलिए खिड़की से आना पड़ा। जी जी जी, क्या
ये सब क्या हो रहा है? सर कुछ नहीं, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। तुम्हारी ड्यूटी क्या है? पेपर्स तैयार करने की। इस वक्त तुम्हारी ड्यूटी क्या है? क्या कर रहे हो? इस वक्त तुम्हारी ड्यूटी इसके साथ है। सर क्या आप कह रहे हैं? हाँ मैं कह रहा हूँ। लेकिन पेपर्स का क्या होगा? अरे बाहर में गए पेपर्स, पेपर्स तो कल भी तैयार हो सकते हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। इश्क खुदा की शान है, उसकी इबादत है। यस अंकल, यस। बहुत देर हो गई सर, नाराज हो रहे होंगे। नहीं, अभी तो वो अपने मूड में होंगे। तेज है आज दर्द दिल साकी, तलकी है मैं को तेज और तर कर दे। मेरी किस्मत से खेलने वाले मुझको किस्मत से बेखबर कर दे। वाह क्या बात, तुम्हारा नाम क्या है? शंकर। एक जाम शंकर के नाम। इनके साथ एक ट्रेजेडी हो गई, ये जिससे प्यार करते थे वो इन्हें छोड़ के चले गए। क्या है कि जवानी में हमने किसी से वादा किया था कि हम सिर्फ एक पैक पिएंगे, अब वादा भी निभाना है और गम को भुलाना भी है, इसलिए अलग अलग नाम से हम पी लेते हैं। कैसी रही है? अरे तुम लोग तो भीगे हुए हो, जाओ हमारे कमरे में जाओ और कपड़े बदल लो, जाओ। अरे सुनो शलाका, तुम्हारे डैडी का फोन आया था, उन्हें फोन करना भूलना मत है, जाओ। हेलो। हेलो पापा। हेलो शलाका बेटी। अरे भाई मैं तो सुबह से तुम्हें ट्राई कर रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू पापा। एक जाम तुम्हारे पापा के नाम। पापा सिर्फ हैप्पी बर्थडे कहने से काम नहीं चलेगा, आज खुशी के मौके पे मुझे एक गिफ्ट चाहिए। अरे भाई तुम वहाँ हो और मैं यहाँ हूँ, गिफ्ट लेने के लिए कम से कम सामने तो होना चाहिए। पापा मेरा गिफ्ट मेरे सामने है। अच्छा शंकर की बात कर रही हो? You creep! How did you know? अरे बेटी तुम्हारा बाप एक नामचीन वकील है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये लीजिए शंकर से बात कीजिए। हाँ हाँ बात करो ना। हेलो हेलो हेलो, तुम इतने घबरा के बात क्यों कर रहे हो? अरे भाई हमें अपनी बेटी की पसंद एकदम पसंद है। थैंक यू सर। जी एक मिनट। थैंक यू पापा। यू वेलकम वेलकम। आई लव यू। बाय। यस। अरे गणेश दो पेप्सी भेजना है। अरे रावो जी साहब को दो पेप्सी दे। जी अच्छा। वाओ प्यारे, अगर ये पेप्सी तेरी बर्थडे पार्टी में आ गई ना तो किसी और सेक्सी की जरूरत नहीं। नेकी और पोच पोच जा पोच, अगर मान गई तो तुम सबका ताज में विस्की की पैची। श्योर ना? प्योर, वो भी बिना पानी के। तो अभी ले, अगर इसे नहीं पटाया तो मेरा नाम भी राजीव नहीं। एक्सक्यूज मी मैडम, आज मेरे दोस्त प्यारे की बर्थडे पार्टी है, क्या आप तशरीफ ला सकती हैं? क्या इरादा है? इरादा तो नेक है और किसी का दिल भी दुखाना नहीं चाहिए ना। आदमी समझदार लगते हो। दिमाग से समझदार और शरीर से दमदार मर्द की निशानी है। हाय। हाय। कहिए आप सबकी मैं क्या सेवा करूं? मैडम सेवा के लिए तो हम सब हाजिर हैं, आप सिर्फ हमारे साथ डांस कीजिए डांस। माय डियर मी, हूज गोना बी माय पार्टनर? हम सब। रियली? ओए पंजाबी भंगड़ा, और पूरे 2 साल का एक्सपीरियंस है हमको कुड़िए। मतलब मराठी लावणी पाहिजे 1 2 3 और मेरे साथ ब्रेक डांस, रॉक एंड रोल एंड रैप। आई एम इंडियन माइकल जैक्सन। ओके ओके ठहरिए ठहरिए ठहरिए, वो क्या है कि मेरी डांस करने की स्टाइल कुछ फ्री है, आई मीन फ्री स्टाइल। क्यों मजा आया? नहीं पीछे पीछे। Thank you.
क्यों बे? भांगड़ा करेगा हाँ? डांस करेगा हाँ? हाँ? अबे कर तेरी तो। क्यों बे? एक्शन? कहाँ गया तेरा एक्शन? बहुत नाचने का शौक है ना? चल नाच, नाच, नाच। अजी साहब मेरा नुकसान कौन भरेगा? ये ले तेरे पैसे। बस 10 रुपए देख लूंगा साला तेरे। तुम लोग को इतनी भी शर्म नहीं? अपनी शक्ल तो देखो आईने में, फिर आकर बात करना। बेटी शलाका। अरे भाई ये तरीका होता है, कोई फोन नहीं किया, मैं अपनी गाड़ी भेज देता, मैं खुद आ जाता। नहीं मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी पापा। नॉटी गर्ल, नॉटी। नमस्ते। You must be शंकर। जी जीते रहो बेटे, जीते रहो। वेलकम वेलकम। तुम्हारा बॉस बैरिस्टर सक्सेना मेरे बचपन का दोस्त है, वो तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, लेकिन वो गलत नहीं कहता। सुमित्रा देवी आप आइए, आइए। सुमित्रा जी आप मेरी बेटी शलाका हैं। नमस्ते। और ये है शंकर, मेरे होने वाले दामाद। सुमित्रा जी आप अंदर बैठे, मैं अभी आता हूं। जी। इनके पति रंजीत राय का खून एक कॉल गर्ल ने किया है, आज इनका बयान कोर्ट में लेना है, इसी सिलसिले में मुझसे मिलने आई है। अरे शलाका बेटी अपने होने वाले पति की कुछ खातिर वातिर करो, मैं जरा इनसे मिलकर आता हूँ। एक्सक्यूज मी। मेरे भावी पति महोदय क्या सोच रहे हैं आप? वो औरत नहीं एक नागिन होगी जिसने इस जैसी देवी का सुहाग उजाड़ा है। तुम तो बहुत सीरियस हो गए, चलो कम ऑन कम। ये लो तुम कोई मैगजीन वैगजीन देखो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। ओके। ऐसा नहीं हो सकता। शंकर क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया इसे कि शंकर कहाँ चला गया? पापा मैं पेपर पढ़ रहा था, पता नहीं अचानक क्या हो गया उसे। तू कहाँ जा रही है? मैं अभी आई पापा। रवि मेरे भाई। दीदी ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? जो कुछ तुमने देखा और सुना उसे भूल जाओ और चले जाओ यहाँ से। दीदी क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं नहीं चाहती कि लोगों को ये पता चले कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। ऐसे मत कहो, जिस बहन ने मेरे लिए अपने आप को बेच दिया हो, आप कहती मैं उसे भूल जाऊं? नहीं दीदी ऐसा अन्याय मत करो, प्लीज दीदी ऐसा अन्याय मत करो मुझ पर। अगर तुम जान गए हो तो ये भी जान गए होगे कि जब कोई औरत एक बार दलदल में गिर जाती है तो ना कोई रास्ता बचता है ना सहारा। कई कई दलदलों के पास पेड़ों की शाखाएं भी होती हैं और उन्हीं शाखाओं के सारे लोग उस दलदल से बाहर निकलते हैं। क्या मैं आपके लिए उन पेड़ों की एक शाखा नहीं बन सकता? नहीं रवि नहीं, मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि लोग तुम्हें एक खूनी कॉल गर्ल के भाई के रूप में जाने। नहीं दीदी आज तक आपने मेरे लिए क्या नहीं किया और आज जब आपको सारे की जरूरत है आप मुझसे पीछा छुड़ा रही हैं, दुनिया के सारे दर्द खुद झेलना चाहती है। ऐसी नाइंसाफी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता दीदी, प्लीज दीदी प्लीज ऐसा ना कीजिए। मेरा जो फर्ज था वो मैंने पूरा किया और फिर अब तुम समझदार हो। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरे कलंक की परछाई भी तुम पर पड़े, वरना मेरी जिंदगी पर हमेशा ये बोझ बना रहेगा कि जिस भाई के लिए मैंने सब कुछ किया आज उसी की जिंदगी में ग्रहण लगा दिया। नहीं दीदी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर वादा करो कि तुम किसी से नहीं कहोगे
कि तुम मेरे भाई हो। तुम्हें भूलना होगा, वो तुम्हारी बहन नहीं, वो बाजार में अपना जिस्म बेचने वाली एक कॉल गर्ल है। कॉल गर्ल? नहीं नहीं नहीं। देखा देखा ये शब्द कैसे कांटों की तरह सीने में चुभते हैं। कल सोसाइटी में जब लोग मेरे सामने कहेंगे कि इसकी बेटी ने कॉल गर्ल के भाई के साथ शादी की है, तो क्या गुजरेगी मुझ पे? कभी सोचा है? समाज में मेरा एक स्टेटस है, इज्जत है, और इस इज्जत को मैं कभी मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा, कभी नहीं। एक तरफ तुम्हारी बहन है और दूसरी तरफ शलाका जैसी होने वाली पत्नी, आखिर इसका भी तो फ्यूचर मुझे देखना है। लेकिन तुम्हारे अंदर एक बात देखी है मैंने, तुम्हें बड़ा वकील बनने से कोई नहीं रोक सकता शंकर, कोई नहीं। और फिर मैं तुम्हारे पीछे हूं, मैं तुम्हें इंग्लैंड भेजूंगा, दुनिया की महंगी से महंगी पढ़ाई कर सकते हो, शौहरत तुम्हारे कदम चूम सकती है। बेटे एक तरफ अंधकार है, कीचड़ है, दलदल है, और दूसरी तरफ सुनहरा भविष्य है, तुम्हारा सपना है। बस अब फैसला तुम्हें करना है। देवी हाजिर हो। वो औरत है जिसके पति का खून हुआ है। कमेंट्री बंद कर, चुप बैठ, अभी केस चालू होने वाला है। सुमित्रा देवी, आपको यहां इसलिए बुलाया गया है कि मैं आपके दिल की हालत को समझता हूं। जिसे अदालत से कोसों दूर रहना चाहिए, आप जैसी खानदानी औरत को यहां आना पड़ा, लेकिन आपके पति का खून हुआ है और खूनी को फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए आपकी गवाही और आपका बयान इस अदालत में जरूरी है। आपके और आपके पति रंजीत राय के संबंध कैसे थे? वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत। पता नहीं किसकी नजर लग गई, किसकी नजर लग गई। आपको कब पता चला कि आपके पति का इस औरत से संबंध है? इन दोनों की फोटो एक अखबार में छपी थी। मेरे पति किसी एग्जीबिशन का उद्घाटन करने के लिए इसको अपने साथ लेके गए थे। फिर? पापा आपके साथ में कौन है? बेटा ये किसी किसी फंक्शन की तस्वीर है। देखो तुम्हें स्कूल में देर हो रही होगी, दूध पियो, यूनिफॉर्म पहनो और स्कूल जाओ। गुड गर्ल। पूछ रही है तो बता क्यों नहीं देते कि वो आपकी रखेल है? सुमित्रा, बच्ची के सामने ऐसी बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म हमें नहीं, आपको आनी चाहिए, जो आज आपको अपनी ही औलाद से आंखें चुरानी पड़ रही हैं। सुमित्रा, चिल्लाइए मत, मैं आपकी बिहाता पत्नी हूँ, कोई रखेल नहीं। चलो बेबी, तुम्हें स्कूल जाना है ना, देरी हो रही है, चलो। बच्ची के सामने तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो? अगर ऐसी ही ऊंची गर्दन थी तो ऐसी नीच हरकत करने की क्या जरूरत थी? ये तो बच्ची है, जब सारा जमाना इन तस्वीरों को देखकर थू-थू करेगा तो तुम्हारी सारी शानो शौकत और इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमारे संबंध में तनाव आने लगा, हम दोनों एक छत के नीचे रहते हुए भी एक साथ नहीं थे। यानी कि आप दोनों के बीच में आग लगाने वाली ये औरत है? I'm sorry, Mrs. Rai. अब सिर्फ ये बताइए कि जब आपको मालूम पड़ा कि आपके पति ने इस औरत को अपनी रखेल रखा है, तो आपने डिवोर्स क्यों नहीं लिया? अपनी बच्ची की खातिर, क्योंकि मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे पति अपनी भूल को जरूर समझेंगे। और जिस रात मिस्टर राय का खून हुआ था, उस रात क्या हुआ?
उस रात हम सब खाना खा रहे थे, हमारी बच्ची ने पूछा कि पापा क्या आप एक दूसरे को प्यार नहीं करते। ये सुन के मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए। शायद शायद वो अपनी गलती पे पछता रहे थे। उन्होंने मुझसे माफी मांगी और कहा कि जिस औरत की वजह से हमारे घर में आग लगी है, मैं अभी अपने आदमी भेजकर उसे घर से निकलवा देता हूँ। मैंने उन्हें रोका और कहा कि वो भी एक औरत है, आप खुद जाइए, उसे कुछ पैसे देकर उसे घर से जाने के लिए कहिए। अगर मुझे क्या पता था कि गुस्से में आकर ये औरत मेरे पति का खून कर देगी। मैंने खुद अपने पति को मौत के मुंह में धकेल दिया। Your witness, Mr. DK. No question. ये आप क्या कह रहे हैं डीके साहब? ये औरत इस केस की चीफ विटनेस है, इनका तो क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए, और आप कहते हैं नो क्वेश्चंस। तुम जानते नहीं इस तरह कोर्ट के काम में दखल अंदाजी करने के जुर्म में तुम्हें सजा हो सकती है। माफ कीजिए जज साहब, मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक वकील हूँ, लेकिन डीके साहब के क्वेश्चन ना करने पर मैं अपने आप को रोक नहीं सका। नहीं। क्योंकि ये मेरी बहन है। सर मेरा नाम है रविशंकर। ये तुमने क्या किया रवि, ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया? ये रही इस केस की फाइल। असल में मुझे खुशी होती अगर मैं तुम्हारी बहन को खून के इल्जाम से बचा पाता। खैर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी इस केस में जीत हो, गुड लक। थैंक यू सर। एक बात याद रखना, अगर कभी भी मेरी जरूरत महसूस हो तो आने में मत हिचकिचाना। अच्छा चलता हूं।